खान की फिल्म पठान को लेकर ओवरसीज में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस बुकिंग के थ्रू हुआ है, अलग अलग देश में, ओवरसीज में बात कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग हमने पहले रिपोर्ट ऑलरेडी बना लिए है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद की रिपोर्ट ये है। तो अब क्या हालचाल हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यूएसए में? तो आपने पहले रिपोर्ट नहीं देखी है तो चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यूएसए से बात करते हैं। 15,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है दोस्तों। एक रिपोर्ट आई है कि आज तक यूएसए में जितनी भी बॉलीवुड फिल्में रिलीज़ हुई है, एडवांस बुकिंग जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर का किसी भी फिल्म को नहीं मिला है। एक रिपोर्ट ऐसी आई है, अब यह सच है क्या फिर क्या है मुझे नहीं पता। तो यह सबसे पहली पठान फिल्म है जिसकी एडवांस बुकिंग 2,35,00,000 रुपये मिल चुकी है। रिलीज़ को अभी 8 दिन बाकी है। 15,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है और उन टिकट से जो कलेक्शन मिला है 2,35,00,000 रुपये। तो एक रिकॉर्ड ही हो गया है ना यूएसए में, क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग किसी भी फिल्म को नहीं मिली है। चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में कलेक्शन मिला है 1,25,00,000 रुपये का। ये मैं इंडियन रुपये में बात कर रहा हूँ। 1,25,00,000 रुपये का एडवांस बुकिंग जर्मनी से भी मिल गया है। कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है उसकी अभी कोई रिपोर्ट मेरे पास जर्मनी की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 57,00,000। इससे पहले जो हमने पहली रिपोर्ट बनाई थी तब मैंने वहाँ पर आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में 42,00,000 रुपये का एडवांस बुकिंग मिला था। अब बढ़ गया है, 57,00,000 रुपये हो गया है। अब कैनेडा, यूके, यूएसए और काफ़ी सारे देश में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी उन देशों की रिपोर्ट्स मेरे पास आई नहीं है। अभी ये 3 देश की रिपोर्ट मेरे पास आई थी तो वो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो लेटेस्ट वाली थी वो। अब जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ हर एक रिपोर्ट शेयर करता रहूँगा। अब 3 देश से कलेक्शन की बात करें तो 4,17,00,000 रुपये एडवांस बुकिंग मिल गया है सिर्फ 3 देश से। बाकी तो कई सारे देश है, यूए में भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो एडवांस बुकिंग ओवरसीज से काफ़ी अच्छा मिला है। अब बात है इंडिया की। इंडिया से क्या हाल होता है? 20 तारीख को ये लोग एडवांस बुकिंग ओपन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता 5 दिन में कोई ऐसा जादू होगा, फिर भी देखते हैं 20 तारीख के बाद। और हाँ, मुझे लगता है टिकट प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद हो सकती है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? तो भाई बड़ी फिल्म है और हाइप भी काफ़ी है, तो उसका फ़ायदा तो मेकर्स मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं उठाने वाले हैं। तो मतलब 20-25 रुपये ज़्यादा होगा, बाकी कोई 100-150 रुपये ज़्यादा होगा ऐसा नहीं होगा। मॉर्निंग शो में जो नॉर्मल फिल्में होती हैं वो 100-110 रुपये के आसपास दिखाई जाती है, तो पठान मॉर्निंग शो में लगभग 150 रुपये तक की होगी। फिर तो देखते हैं जो भी हो। तो ये कलेक्शन रिपोर्ट था ओवरसीज़ का। अब देखते हैं इंडिया से क्या कलेक्शन रिपोर्ट, अर्ली एस्टिमेट क्या आता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।